हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चॉइस ब्रोकिंग डीमैट अकाउंट के थ्रू आप कोई भी स्टॉक को सेल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था चॉइस ब्रोकिंग में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करो एंड स्मार्ट वर्क लाइट यूट्यूब चैनल से 100 रुपीज़ का गिव अवे मिल जाएगा। वो भी टर्म्स एंड कंडीशन किया था, चॉइस ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कोई भी एक स्टॉक को बाय एंड सेल कंप्लीट करना है। तो उस वीडियो में बहुत फ्रेंड ने ये कमेंट किया था, उसे स्टॉक तो बाय हो चुका है बहुत ही इजीली, बट वो स्टॉक सेल नहीं हो रहा है। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट में इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी पब्लिक करता हूँ कि किस तरह से सेल करना है, चाहे चॉइस ब्रोकिंग हो चाहे कोई अदर्स डीमैट अकाउंट है। फर्स्ट टाइम के लिए कोई स्टॉक को सेल करने के लिए आपको ऑथोराइज करना पड़ता है CDSL से, इसलिए टिप इन को वेरीफाई करना पड़ता है। अगर टिप इन क्या है नहीं पता है तो टिप इन के बारे में एक डिटेल्स वीडियो है जो कि ऊपर का आई बटन मिल जाएगा। सो आज इस वीडियो में बता दूंगा टिप इन अगर आपके पास नहीं है तो टिप इन को कैसे जॉइन कर सकते हो एंड टिप इन के साथ वेरीफाई करके आप किस तरह स्टॉक को सेल कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप स्टॉक में अभी तक अकाउंट नहीं है तो फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये वीडियो भी जरूर देख लीजिए। आप चाहो तो राजर पे इस ऐप को भी थ्रू यूज करके, पेमेंट गेटवे यूज करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो लेटेस्ट जो दो वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। बट दोस्तों, आज इस वीडियो में मेन टॉपिक है चॉइस ब्रोकिंग में अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको पता है इसका मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीफी। तो मैं जीफी ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था, कुछ स्टॉक को बाय करके भी रखा था। अभी आपको सामने सेल करूंगा, सेल करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सबको सोल्यूशन आप इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो, आई हो वीडियो आपका पसंद आएगा। पसंद तो वीडियो लाइक कर देना, आपका दोस्तों शेयर कर देना एंड चैनल पे नया है तो चैनल का वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में जो घंटा या घंटी जो भी आएगा इसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी प्रकार जेन्युइन वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा वीडियो। सो दोस्तों, मैं चॉइस ब्रोकिंग का जो मोबाइल एप्लीकेशन जीफी एप्लीकेशन, उस ऐप को लॉगिन कर लिया था। दोस्तों को पता है 100 रुपीज़ का गिव अवे लेने के लिए आपको चॉइस ब्रोकिंग में कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल करना है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को प्रॉपरली देख लीजिए। अगर आपका चॉइस ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, टर्म्स एंड कंडीशन फुल है, आपको 100 रुपीज़ गिव अवे मिल जाएगा। चॉइस ब्रोकिंग अलावा और भी कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से होम पेज मिल जाएगा, आपका वॉच लिस्ट शो होगा। कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करके रखोगे तो वो आपका पोर्टफोलियो सेक्शन में आ जाता है, चाहे कोई भी डीमैट अकाउंट में, तो आपको जाना है पोर्टफोलियो सेक्शन में। तो दोस्तों देख सकते हो, पोर्टफोलियो सेक्शन में दो ऑप्शन है, एक पोजीशन एक होल्डिंग, आपको आना है होल्डिंग सेक्शन में। तो दोस्तों होल्डिंग सेक्शन आने के बाद देख सकते हो मेरा अभी ट्राइडेंट का 3 शेयर है जिसका अभी करेंट प्राइस है 72 रुपीज़ 45 पैसा। अगर अभी इस स्टॉक को सेल कर देता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा 22 रुपीज़ 50 पैसा, मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपको देखने के लिए इसको सेल कैसे करना है ये आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों, अगर कोई भी डीमैट अकाउंट में अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी स्टॉक सेल करोगे तो आपको CDSL से एक ऑथोराइज लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो ऑथोराइजेशन का ऑप्शन है, सिंपली से यहाँ पे ऑथोराइजेशन में आपको करना है क्लिक। देन दोस्तों यहाँ पे देखो ऑथोराइज का ऑप्शन है एंड जेनरेट टिप इन का ऑप्शन है, आप चाहो तो ऑथोराइज में कर सकते हो क्लिक। देन दोस्तों यहाँ पे पूछेगा टिप इन को वेरीफिकेशन करना है, तो यहाँ पे एक टिप इन को एंटर करना है एंड वेरीफाई करना है। दोस्तों को बता देता हूँ, कोई भी डीमैट अकाउंट आप जब ओपन करोगी, जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, कंपनी की तरफ से आपका रजिस्टर्ड ईमेल में टिप इन आ जाएगा। ये जो 6 डिजिट का टिप इन है, इस टिप इन को आप एंटर करके वेरीफाई करना है। दोस्तों अगर आपका टिप इन नहीं है, अगर आपको टिप इन को ज्वाइन करना चाहते हो तो करना क्या है, यहाँ पे मेनू सेक्शन का ऑप्शन है, इस मेनू में जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख जाएगा, आपको प्रोफाइल में करना है क्लिक। देन दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा डीमैट अकाउंट नंबर, ये डीमैट अकाउंट नंबर आपका 16 डिजिट का होता है, इस डीमैट अकाउंट नंबर को आप कहीं भी नोट कर लीजिए। तो याद रखना, अगर पहले से आपको टिप इन पता है उस टिप इन को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिए, अगर टिप इन नहीं पता है जनरेट करना पड़ता है तो क्लिक हेयर में कर दीजिए क्लिक। देन आपको यहाँ पे BOID नंबर पूछेगा, तो जो भी डीमैट अकाउंट का नंबर है 16 डिजिट वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल में एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करो एंड नेक्स्ट कर दीजिए। देन दोस्तों यहाँ पे बोलता थैंक यू, आपका टिप इन जनरेट हो चुका है, इस टिप इन को आपका रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल में सेंड किया है। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा जीमेल में टिप
टिफिन जेड हो चुका है, तो न्यू एक 6 डिजिट का टिफिन आ चुका है। इस टिफिन को मुझे करना है कॉपी एंड नोट टाके रखना है, जितना बार आप सेल करोगे उतना बार ही आपका टिफिन मांगेगा। देन दोस्तों आपको वापस में होल्डिंग सेक्शन में आना है एंड ऑथोराइज में करना है क्लिक, देन फिर से करना है ऑथोराइज एंड उसके बाद जो भी न्यू पिन को आप ऐड किया था उस पिन को आप एंटर करो एंड वेरीफाई कर दीजिए। देन दोस्तों आपका मोबाइल में फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी कर दीजिए एंटर एंड वेरीफाई कर दीजिए। देन दोस्तों आपका टिपिन वेरीफाई हो जाएगा। आप बताता है किस तरह से कोई भी स्टॉक को सेल कैसे करना है। तो दोस्तों सेल करने के लिए आप पोर्टफोलियो से नहीं कर पाओगे, आपको आना है वॉच लिस्ट में। जो भी वॉच लिस्ट को सेट कर रहा था वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो नंबर 1 में ट्राइडेंट इस स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस ट्राइडेंट स्टॉक को मुझे सेल करना है या बाय करना है, जो भी है आपको वॉच लिस्ट से करना है। तो मुझे करना है सेल, इसलिए ट्राइडेंट के ऊपर करना है टैप। टैप करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेट एला स्क्रिप्ट इनफो चार्ट बाय एंड सेल, आपको करना है सेल। तो सेल में कर दिए क्लिक, उसके बाद इस तरह से आपको इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपका देखो लिमिट है, आपको करना है मार्केट। मार्केट मीन्स इस टाइम में मार्केट में स्टॉक का जो प्राइस है उस प्राइस में आपको बिक जाएगा, सेल हो जाएगा। तो आपको करना है मार्केट। उसके बाद देखो यहाँ पे जो क्वान्टिटी 1 है, बट 1 क्वान्टी सेल करने बोला था, बट मुझे पास है 3 क्वान्टिटी शेयर, तो मुझे यहाँ पे 3 करना है क्वांटिटी में। तो दोस्तों देख सकते हो मुझे मार्केट सेलेक्ट कर लिया था एंड क्वांटिटी 3 कर लिया था। तो अभी जो अमाउंट है 73 रुपीज 20 पैसा, तो करना है सेल। सेल पे ऊपर कर दिया क्लिक, क्लिक करने के बाद देखो कंफर्म सेल ऑर्डर, तो यहाँ पे करना है यस। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाना है एंड यहाँ पे देखो अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बिल्कुल 0 हो चुका है, जो भी स्टॉक सेल हो चुका है। ऊपर में देखो एक नोटिफिकेशन आ गया था, नोटिफिकेशन में अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे ट्रेडिंग का स्टॉक सेल हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है 3 स्टॉक। सो दोस्तों इसी प्रकार में आप कोई भी स्टॉक को सेल करना है। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है चॉइस ब्रोकिंग में, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करो, देन एक स्टॉक बाय एंड सेल करो, देन आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पैन कार्ड का नंबर, साथ में डीमैट अकाउंट का जो क्लाइंट आईडी है वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपका 100 रुपीज ऐसे गिफ्ट दे दूंगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का कुछ कंपलसरी तो है, बट यहाँ पे अमाउंट कुछ कंपलसरी नहीं है, चाहे 1 स्टॉक 2 स्टॉक जो भी हो, 10 रुपया 20 रुपया स्टॉक को बाय एंड सेल कंप्लीट करना है। तो इसी प्रकार में आपका जीपी या फिर चॉइस ब्रोकिंग में फर्स्ट टाइम के लिए स्टॉक को सेल कर सकते हो। सो फ्रेंड इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया था डीमैट अकाउंट के थ्रू कोई भी स्टॉक सेल कैसे करे। अगर आपका डीमैट अकाउंट है चॉइस ब्रोकिंग में तो बिल्कुल इसी प्रोसेस में कर सकते हो। अगर कोई अदर्स डीमैट अकाउंट है वो आप सेल नहीं कर पा रहे हो तो कॉमेंट्स में जरूर कॉमेंट कर दीजिए, मैं उसी कमेंट लेकर अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू सो मच।